वेलकम टू लैब व्यू। इस वीडियो में हम ग्लोबल वेरिएबल सीखेंगे। फंक्शन में गए, फंक्शन से स्ट्रक्चर में गए, स्ट्रक्चर से हमने ग्लोबल वेरिएबल लिया और कंट्रोल से इसको कॉपी किया। तीन डेटा टाइप लेंगे हम, तीन बार इसको कॉपी कर दिया। इधर हमने न्यूमेरिक कंट्रोल लिया फ्रंट पैनल पे और एक बूलियन लेंगे, एलईडी ले ली हमने, और एक स्ट्रिंग लेंगे। ये हमने तीन कंट्रोल ले लिए हैं, तीन टाइप के, न्यूमेरिक कंट्रोल, बूलियन कंट्रोल और स्ट्रिंग कंट्रोल। अब जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम में इनके आइकन आए हैं, इनको वायर से कनेक्ट करेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे ग्लोबल वेरिएबल पे, तो ये हमारे पास एक फ्रंट पैनल आ जाता है। मैंने इसीलिए पीछे वुडन कलर ब्लैक डिजाइन बनाया उसका फ्रंट पैनल का, ता जो फ्रंट पैनल पहले वाले में और जो इसका ग्लोबल का है इसमें हमें पता चल जाए। अब ये दिख रहा है वो फ्रंट पैनल अलग है, ये फ्रंट पैनल अलग हमारा खुला है वेरिएबल में। अब इसमें भी हम तीनों तरीके से लेंगे, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बूलियन, तीनों ऐसे ही लेंगे। जो भी हम पहले वाले फ्रंट पैनल पे करेंगे तो ये वेरिएबल वाले फ्रंट पैनल पे भी वो सब कुछ सेम हमें होता हुआ नज़र आएगा। वही एक्टिविटी इसमें हमें दिखेगी। हम इंक्रीमेंट करते हैं तो इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगी, डिक्रीमेंट करते हैं तो इसमें न्यूमेरिक डिक्रीमेंट हो जाएगी। बूलियन को हम एलईडी को ऑन ऑफ करते हैं तो इसमें ऑन ऑफ हो जाएगी। स्ट्रिंग में जो हम कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो इस फ्रंट पैनल पे भी सेम वैसा ही होगा। तो ये हमने तीनों वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए हमने प्रोग्राम रन किया तो इधर न्यूमेरिक में देखिए पहले वाले फ्रंट पैनल जो हमारा मेन फ्रंट पैनल है उस पर, और ये जो ग्लोबल वेरिएबल वाला फंक्शन फ्रंट पैनल है इस पर ब्लॉक डायग्राम नहीं होता, इस पर फ्रंट पैनल ही खुलता है हमारा। अब देखो दो फ्रंट पैनल है, एक ब्लॉक डायग्राम है। पहले वाले फ्रंट पैनल जो वुडन कलर है और उसका ब्लॉक डायग्राम, और ये ग्लोबल वेरिएबल का फ्रंट पैनल खुला है हमारे पास क्लिक करने से वेरिएबल के ऊपर, तो इसका कलर अलग है। देखो पहचान के लिए मैंने दो कलर अलग अलग कर दिए। देखिए अब हमने एक दूसरी पीआई ली है, ये दूसरी पीआई हमने ली है, उसमें हम ये सारा प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज। यही होता है ग्लोबल वेरिएबल। ये देखिए ये इस पे वाइल लूप लगा दिए और जो कंटिन्यू चलता रहे, और एक कंट्रोल भी हमने ले लिया है, स्टॉप कंट्रोल जो होता है हमारे पास वाइल लूप में लगाते हैं हम, जिसको स्टॉप करने के लिए लूप को।
ऊपर फ्रंट पैनल पे स्टॉप हमारे पास आ गया। इसको नीचे करेंगे, सेट करेंगे थोड़ा सा। साइज बढ़ा देंगे थोड़ा सा ताकि जो अच्छा दिखे। इसका साइज बढ़ा दिया हमने, थोड़ा सा स्टॉप अच्छा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा। ये देखिए फ्रंट पैनल, वेरिएबल वाला फ्रंट पैनल, दोनों पैन फ्रंट पैनलों पे अंतर देखिए, सेम है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल सेम कंट्रोल हमारे इस पर शो हो रहे हैं, उस पर भी सेम दिख रहे हैं। जो हम इस फ्रंट पैनल पे मेन फ्रंट पैनल पे करेंगे वो ही दूसरे फ्रंट पैनल पे सेम हमें दिख मिल रहा है। वो सारे वेरिएबल इसमें दिख रहे हैं हमें, जो कंट्रोल हमने उसमें लिए हैं इसमें भी सेम हो रहे हैं, लेकिन कंट्रोल हम उसी से कर रहे हैं मेन से, तो फ्रंट पैनल पे सब कुछ सेम है। वहाँ भी चेंजेस दिख रही है, वहाँ भी सेम। और ये जब हमने दो VI लिए हैं, दूसरी VI ली है, अब एक और VI हमने खोली है दूसरी, तो इस दूसरी VI का जो ब्लॉक डायग्राम है उस पर हम इसको कॉपी कर देंगे। ये देखिए दूसरे में हमने बिना कोडिंग किए, बिना हमने कुछ किए सीधा कॉपी कर दिया है ब्लॉक डायग्राम पे, और उस पर भी हम दूसरी VI पे हम इसी प्रोग्राम को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल रन होगा, हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ा बिल्कुल उसी प्रोग्राम को। हम ये देखिए जो हमारी अनदर VI थी, दूसरी VI हमने ली थी न्यू, दूसरी VI उसमें खुला, देखो पांच पैनल है नीचे, दो फ्रंट, तीन फ्रंट पैनल दिख रहे हैं। ये देखिए ये जो दूसरी VI में हमने प्रोग्राम कॉपी किया था वो प्रोग्राम सेम दूसरी VI में हमारा रन हो रहा है। फ्रंट पैनल और ब्लॉक डायग्राम दोनों इसमें दूसरे में दिख रहे हैं। तो ये ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये देखिए बिल्कुल रन, सब कुछ सेम है। देखिए नीचे एक पहले VI ली थी हमने जो फर्स्ट, और ये दूसरी VI हमने बाद में खोली है, और एक फ्रंट पैनल ग्लोबल वेरिएबल वाला देखिए। नीचे टास्क पे देखिए, ये देखिए ये फ्रंट पैनल ग्लोबल वेरिएबल वाला है, और ये दो ये दूसरी VI जो हमने सेकंड VI ली थी उसमें कॉपी किया एज इट इज़ यूज़ किया हमने इस प्रोग्राम को। और जिस VI पे हमने क्रिएट किया था वो जो वुडन कलर मैंने दिया फ्रंट पैनल पे, और बैक ब्लॉक डायग्राम है वो अलग उसमें हमने बनाया था, इसमें भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं दूसरी VI पे। थैंक यू दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।